झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से उसका अध्याय ले रहे हैं, कहानी का रूपांतरण, और इसे हमने प्रश्नोत्तरों वाली शैली में तैयार किया है ताकि आपके लिए वह उपयोगी हो। चलिए शुरू करते हैं कहानी का रूपांतरण। प्रश्न पहला है, साहित्य की विधाओं के स्वरूप के बारे में जानकारी दीजिए। उत्तर है, साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि। विधाएं अलग अलग हैं, इसलिए उनकी जानकारी, प्रक्रिया और तत्व भी अलग अलग होते हैं। यहां तक कि विधा के बदलने पर भाषा का प्रयोग भी बदल जाता है। अब प्रश्न दूसरा है, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है? उत्तर है, कहानी का संबंध कहानीकार और पाठक से होता है, जबकि नाटक का संबंध उसके लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता, इन सब से होता है। तो ये उसका मूल अंतर है। अब हम अगले प्रश्न, और इसी का जो दूसरा अंतर है वो ये है कि कहानी पढ़ी या सुनाई जाती है, जबकि नाटक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। इसके अलावा नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और संगीत व्यवस्था भी शामिल होती है। तीसरा प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या समानताएं हैं? उत्तर है, कहानी और नाटक दोनों में ही कहानी, पात्र, परिवेश, संवाद, द्वंद्व और चरमोत्कर्ष पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, नाटक की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, दृश्य का संबंध स्मृति से होता है। नाटक, टीवी धारावाहिक और फिल्म ये दृश्य विधाएं हैं, इसलिए वे हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। प्रश्न पांचवा, उन कहानियों का नाम बताइए जिनके नाट्य रूपांतर प्रसिद्ध हुए। तो उत्तर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था कहानी है पर उसको नाटक के तौर पर रूपांतरित किया गया और प्रदर्शित किया गया और वह बहुत सफल रहा। इसी तरह प्रेमचंद जी की सदगति और कफन कहानियां, फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलेट कहानी, भीष्म साहिनी की चीफ की दावत नाम की कहानी, ज्ञान रंजन की फैंस के इधर और उधर कहानी, सादत हसन मंटो की टोबा टैक्सिंग कहानी, अमरकांत की डिप्टी कलेक्ट्री, उदय प्रकाश की और अंत में प्रार्थना, ये सभी अपने मूल रूप में कहानियां हैं जिनका नाटक रूपांतरण किया गया और वो सफल रहा। छठवां प्रश्न है, उन उपन्यासों के नाम बताइए जिनके नाट्य रूपांतर भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, ऐसे नाटक हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान, शरद चंद्र का देवदास और मन्नू भंडारी का महाभोज, ऐसे और भी उपन्यास हैं, प्रमुख रूप से ये नाम लिए जा सकते हैं। सातवां है, कथा वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर है, कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी और नाटक में घटित होते हैं। प्रश्न आठवां, कहानी का नाट्य रूपांतर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? उत्तर है, अगर हम कहानी का नाट्य रूपांतर करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले कहानी की प्रत्येक घटना को दृश्य में बदलना पड़ता है। एक घटना यदि एक स्थान और एक समय पर घट रही है तो उसे नाटक की भाषा में एक दृश्य कहते हैं, सीन वन, सीन टू ऐसा कहा जाता है। प्रत्येक दृश्य का कथानक के साथ संबंध रहना चाहिए। कहानी के मूल संवादों के आधार पर ही नाटक के संवादों की रचना होती है। संवाद छोटे, प्रभावपूर्ण और बोलचाल की भाषा में होते हैं। तो यह था कैसे करें कहानी का रूपांतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला एपिसोड।
कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।